तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी बुधवार सुबह कोलकाता के सॉल्टलेक में सीजीओ कॉम्प्लेक्स पहुंचे। अभिषेक को ईडी ने स्कूल भर्ती मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। बुधवार सुबह 11:12 में अभिषेक घर से ईडी ऑफिस के लिए निकले और वो 11:34 में सीजीओ कॉम्प्लेक्स पहुंचे। अभिषेक कार लेकर सीजीओ कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुए और वो कार के पिछली सीट पर बैठे हुए दिखाई दी। कार में प्रवेश करते समय अभिषेक ने खिड़की का शीशा नीचे किए बिना ही हाथ जोड़े। सीजीओ कॉम्प्लेक्स के आसपास पहले से ही पुलिस ने घेरा स्थापित कर दिया था। अभिषेक ने अदालत में सुरक्षा की मांग की थी ताकि भर्ती मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का निपटारा होने तक ईडी उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न कर सके। मंगलवार को जस्टिस तीर्थंकर घोष की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई के बाद जज ने कहा कि ईडी ने इस संबंध में पहले ही मौखिक वादा किया था और उन्होंने अब तक वो वादा निभाया है, इसलिए अभिषेक को किसी नई सुरक्षा की जरूरत नहीं है। सुनवाई के दौरान ईडी ने वकील को भी आश्वासन दिया कि गिरफ्तारी नहीं बल्कि पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इस संबंध में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ओर से बुधवार सुबह एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया गया, जहां इस घटना की कड़ी निंदा की गई। इस पोस्ट में अभिषेक की एक स्पीच भी हाईलाइट की गई। वहीं अभिषेक की टिप्पणी है, बीजेपी मुझसे लड़ने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। मैं सीबीआई ईडी की धमकियों से नहीं डरता। मुझे सार्वजनिक सेवा से नहीं हटाया जा सकता। मुझे लोगों तक पहुंचने से नहीं रोका जा सकता। विपक्षी गठबंधन भारत की समन्वय समिति की बैठक बुधवार को दिल्ली में हुई। अभिषेक भारत की उस कमेटी के सदस्य है, लेकिन समन्वय समिति की पहली बैठक में अभिषेक शामिल नहीं हो सके। हालांकि राज्य के मंत्री शशि पांजा और पार्थ भौमिक ने मंगलवार को तृणमूल की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन में संकेत दिया कि अभिषेक दिल्ली नहीं जा सकेंगे। अभिषेक ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा कि ईडी ने उन्हें दोबारा समन किया है। रविवार को उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि भारत समन्वय समिति की पहली बैठक 13 दिसंबर को दिल्ली में, जिसका मैं सदस्य हूँ, लेकिन ईडी ने मुझे उसी दिन पेश होने का नोटिस दिया। मुझे अभी वो नोटिस मिला। मैं 56 इंच के सीने की कायरता और तुच्छता पर आश्चर्य किए बिना नहीं रह सकता। এই মুহূর্তে ঘড়ি কাটার সাথে 11:34 দেখতেই পাচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু ফিজিও কমপ্লেক্সের সামনে উপস্থিত হচ্ছেন। তার যে গাড়ি দেখতেই পাচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবেশ করলেন ফিজিও কমপ্লেক্সে, দেখতেই পেলেন একেবারে এই সময় ডিজিটালের ফল।